हेलो एंड वेलकम टू 91 व्हील्स। आज हम आए हैं OTR एडवेंचर जोन गुरुग्राम में और हम यहाँ हैं टोयोटा हाइलक्स की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपीरियंस करने। डिफरेंट ट्रैक्स पे वो कैसे परफॉर्म करती है, वो कैसे आपको एक एडवेंचरस राइड दे सकती है, तो चलिए इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। Toyota Hilux is known for its capabilities, off-roading capabilities and reliability around the world. और इन्हीं capabilities को check करने के लिए हमने इसे एक off-road zone में चलाया और काफ़ी सारे obstacles के through इसे निकाला। First जो obstacle था वो था positive incline, उसके साथ ही साथ जो दूसरा था वो था negative incline, जो Hilux ने काफ़ी effortlessly कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक्स की वजह से आपको ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, गाड़ी बहुत ही आराम से इंक्लाइंस पे निकल जाती है। अगर बात करें हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको वो सेम 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो फॉर्च्यूनर में भी आता है। इस इंजन का पीक पावर है 201 BHP एंड 500 Nm ऑफ पीक टॉर्क विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर आप लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन तो उसमें आपको मिलता है 420 Nm का पीक टॉर्क। अगर बात करें पूरे ऑफ रोड कोर्स की कि Hilux का परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसा था, वो पार प्रोवाइड करती है जो आपको इंक्लाइंस पे चाहिए होती है। उसके साथ ही साथ अगर आप स्टीप डाउनहिल पे आते हैं तो इसमें एक फीचर आता है डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, उसे ऑन करने के बाद गाड़ी बिना ब्रेक किए ईजिली स्टीप डाउनहिल्स पे आ सकती है, जहाँ पे ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है गाड़ी अकॉर्डिंग टू द डाउनहिल सिचुएशन। अगर इसके बाकी 4x4 हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, ऑटोमेटिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, 4WD विद 4 हाई एंड 4 लो, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल और भी काफ़ी चीज़ें। हाँ, स्टेयरिंग थोड़ा सा आपको इसका हैवी फील हो सकता है, बट बींग एन ऑफ रोड व्हीकल ये आपको इतनी दिक्कत नहीं देने वाला है। इसके साथ ही साथ Hilux में आपको मिलते हैं दो ड्राइव मोड्स जो हैं पावर एंड इको, टायर एंगल मॉनिटर और साथ में ही फ्रंट पार्किंग सेंसर। अगर कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो कन्वीनियंस फीचर्स में आपको इंटीरियर में काफ़ी प्रीमियम सा सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ। उसके साथ ही लेदरेट सीट्स मिलती हैं, डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं और काफ़ी सारे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। टोयोटा हाइलक्स में आपको 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप रिवर क्रॉसिंग्स बड़े आराम से कर सकते हैं। बट अगर आप और ज़्यादा गहरे पानी में इसे ले जाना चाहते हैं तो एक आफ्टर मार्केट स्नॉर्कल इसे और भी कैपेबल बना देगा उन सिचुएशंस पे ले जाने के लिए। सेफ्टी की बात करें अगर, तो इसमें आपको मिलते हैं 7 SRS एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और भी मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 30.40 लाख से और टॉप मॉडल का प्राइस आता है 37.90 लाख एक्स शोरूम। ये प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेरेटिव टू जो इसका एक प्राइमरी राइवल आप कह सकते हैं Isuzu V-Cross, बट उसके साथ ही साथ Hilux आपको प्रोवाइड करता है उस Isuzu V-Cross से बेटर 4x4 हार्डवेयर, उससे बेटर प्रीमियम इंटीरियर। तो अगर आप चाहते हैं एक लग्जरी लाइफस्टाइल व्हीकल जो आपको हर टेरेन्स पे ले जा सके, हर सिचुएशन से निकाल सके, तो टोयोटा हाइलक्स इज़ द आंसर फॉर यू।